पहले बढ़ते हैं आगे। अब बात दिल्ली के नामी हॉस्पिटल में हंगामे और मारपीट की। बाड़ा हिंदूराव अस्पताल में गार्ड पर मरीज और तीमारदारों से मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि गार्ड ने डंडों से लैस होकर मरीजों को मारा और उन्हें अस्पताल से बाहर निकाल दिया। ये तस्वीरें दिल्ली के बाड़ा हिंदूराव अस्पताल की है, जहाँ गार्ड पर मरीज और तीमारदारों की पिटाई का आरोप लगा है। जिन लोगों पर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी थी, वही हाथों में डंडा लिए गुंडागर्दी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में बाकायदा आप देख सकते हैं कि कैसे गार्ड अस्पताल में एक शख्स को घेर कर उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि महिला गार्ड भी इस घटना में उनका साथ दे रही है। पिटाई दहशत के बीच एक महिला भी भागती हुई नजर आ रही है और मारपीट कर रहे गार्ड से छोड़ने की गुहार लगा रही है। राजधानी दिल्ली के बाड़ा हिंदूराव अस्पताल में हंगामे की खबर है। वाकया रविवार देर रात का है, जहां मरीजों के परिजनों और सिक्योरिटी गार्ड के बीच हाथापाई तक नौबत पहुंच गई। राजधानी के इस बड़े अस्पताल में गार्ड उत्पात मचाते रहे, लेकिन मरीजों की सुनने वाला कोई नहीं था। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन उनके सामने भी गार्ड हेकड़ी दिखाते रहे। मारपीट का शिकार हुए मरीजों और उनके तीमारदारों की जब कहीं सुनवाई नहीं हुई, तो नाराज लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करना शुरू कर दिया। पीड़ित परिवार पुलिस पर सुनवाई ना करने और आरोपियों का पक्ष लेने का इल्जाम लगा रहे हैं। अस्पताल में हंगामा क्यों हुआ और गार्ड ने मारपीट क्यों की, इसका पता तो जांच के बाद चलेगा, लेकिन नामी हॉस्पिटल में गार्ड की गुंडागर्दी ने लोगों के मन में खौफ जरूर भर दिया है। तस्वीरें हैं, इस तरह के जो वाकया हैं वो लगातार आखिर सामने कैसे आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर डॉक्टर सड़कों पर उतरे थे, लेकिन यहाँ सवाल मरीजों का भी है और मरीजों के परिजनों का भी है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।